Dr. Vikas Mahatme. Thank you, Chairman Sir. मैं पहले ही सबको बताना चाहूँगा कि मैं मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर हूँ, MBBS MS डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आयुर्वेद और आयुष पूरे जो बाकी मेडिसिन के ब्रांचेस हैं, पैथीज हैं, उसका फुल सपोर्ट करता हूँ. मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तीन चीज़ों के लिए ये सपोर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा एक अनुभव है मैं जो शेयर करना चाहूँगा सबके साथ में, कि इंटर्नशिप के बाद में मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा था वो विलेज में कॉलेरा का आउटब्रेक हुआ, कॉलेरा हुआ एक गांव में. तो हमने उसको उनको ट्रीटमेंट दी और जो पानी का सैंपल लिया था कुएं से, उस पानी के सैंपल में विब्री कॉलेरे बैक्टीरिया निकले और हम खुश हुए कि हमने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हमें मिला है. और उस गांव में 54 लोगों को कॉलेरा हुआ था और उनकी जनसंख्या जो थी वो 114 थी. अब ये होने के बाद में हम खुश थे कि हमें सोर्स भी मिला है. मैंने उस गांव के जो 60 साल का एक आदमी था उससे बातचीत कर रहा था और उन्होंने पूछा कि ये क्यों हुआ. मैंने उनको कारण बताया, वजह बताई कि यह पानी जो है यह दूषित था, कंटामिनेटेड था, बैक्टीरिया उसमें थे, इसलिए ये हुआ है. तो उसने मुझे पूछा, आपका तो सही है कि वो पानी से हुआ, लेकिन वो कुएं का पानी हम सभी 114 लोग भी लेते हैं, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ. और तब मेरे ख्याल में आया कि हम रीज़न बताते हैं, लेकिन जो हेल्दी रहते हैं, जो बीमार हुए उसके लिए रीज़न बता दिया हमने, लेकिन जो हेल्दी रहते हैं उसकी वजह क्या है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं. तो मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक इसके बारे में सोचती है कि हम हेल्दी कैसे रहे, निरोगी कैसे रहे, स्वास्थ्य कैसे रहे. और ये इसलिए मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक का दूसरा एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी वजह से उसकी ज़रूरत है कि जितने भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो भी दवाइयाँ आई हैं, आप देखेंगे काफ़ी साल पहले ऐसा देखा गया कि ट्राइबल लोग बुखार यदि आता है बहुत तेज तो एक पेड़ की पत्तियां देते हैं, तो उसके बाद में वो पेड़ के पत्तियों में से एक्सट्रैक्ट निकाला गया और उससे क्विनिन नाम का ड्रग पता चला और क्विनिन हम देने लगे. फिर उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस बहुत थे मलेरिया के लिए, वो मलेरिया बीमारी थी और मलेरिया के लिए क्विनिन ड्रग देते थे. और उसके बाद में उसके डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए उसको क्लोरोक्विन, उसका जो एनालॉग है जो बेटर था, वो हमने प्रोड्यूस किया. यानी प्लांट से मेडिसिन अच्छे से तैयार हो सकती है. और आज भी आप 10 साल 15 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो वायग्रा जो है उसका जो उत्पादन हुआ है, शुरुआत पहाड़ी में लोगों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे उस पहाड़ी एरिया में, तो उसकी वजह देखा 50-60 साल के उम्र के बाद के लोगों को भी बच्चे हो रहे थे परिवार में, तो उसका उगम देखने के बाद ये तय हुआ, ये पता चला कि यह वायग्रा करके उसमें एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है. यानी आज भी प्लांट से हम अच्छी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं. और इसलिए मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक और बाकी पैथीज बहुत इम्पॉर्टेंट है. और तीसरा ये है कि आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आयुर्वेदिक में जो बताई गई है लाइफस्टाइल. ये एक जीवन शैली है, जिस तरीके से हम यदि रहते हैं कि आज जीवन शैली की वजह से यदि हमारी जीवन शैली उस मुताबिक अच्छी ना हो तो बहुत सारे बीमारियां को हम फेस कर रहे हैं, वो सब कम हो सकते हैं यदि हम वो उस तरह की जीवन शैली अपनाएं. तो इसलिए मैंने बताया कि मैं इसके साथ में हूँ, लेकिन इसमें कुछ परेशानियाँ भी मुझे लगती है जो भी आयुष डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह से अभी टैकल कर रहा है. पहली बार मोदी सरकार में यह डिपार्टमेंट, यह मिनिस्ट्री तैयार हुई और इस मिनिस्ट्री का अब काम अच्छे से हो रहा है. और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बार गफलत होती है, सभी लोगों को ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस और एविडेंस का प्रॉब्लम है. मैं एक अनुभव बताता हूँ कि माहिम में एक दरगाह है, उसके वो क्रिक है, वहाँ पानी है आता रह समुंदर का पानी है. तो एक बार ऐसा हुआ कि वो पानी मीठा हुआ और यह न्यूज़पेपर में भी आई, सब जगह आई, और वो पानी पीने से लोगों की, लाखों लोगों की बीमारियां दूर होने लगी. लेकिन
जब साइंटिफिक उसका रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो मीठापन एक केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से, उसका जो पानी वहाँ पे आ रहा था दूषित पानी, उसकी वजह से वो मीठापन है। यानी एक्सपीरियंस सबका ये था कि इस पानी से बीमारियां दूर हो गई, लेकिन एविडेंस ऐसे नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि वैसे होना नहीं चाहिए, ये एक्सपीरियंस और एविडेंस अलग अलग है, और एविडेंस यानी साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है। और काफ़ी बार 1 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों से वजह इनको फायदा हुआ है इस मेडिसिन से, ऐसा यदि हम कहते हैं तो doctor. वो कभी गलत Please. भी हो सकता है, इसका सोचना चाहिए। मुझे बाकी भी बहुत कुछ बोलना था, 2 मिनट और देंगे तो अच्छा। आई शैल कंक्लूड इन फ्यू वर्ड्स ओनली। तो दैट इज देयर एक्सपीरियंस और एविडेंस में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, और एविडेंस के लिए कोशिश होना चाहिए वो जो कर रहे हैं मेडिसिन। तीसरा यह है कि एक्सरे, MRI और अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो एलोपैथी में होते हैं, वो आयुर्वेदिक वालों को भी अलाउ करना चाहिए, और उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक साइंस है सर। इसकी वजह से ये सभी साइंस जो है बेसिक साइंस है, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, तो इनका उपयोग सभी प्रैक्टिस में रहना चाहिए, और उसका उपयोग अभी शुरू हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये रिसर्च जो है ये इसमें यदि अच्छे से हो तो ये सभी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे ये लगता है इस नई सोच से ये मंत्रालय जो मिनिस्टर साहब के अंदर काम कर रहे हैं, यदि बजट में 15% इन्होंने बढ़ाया भी है, तो मुझे लगता है इस तरीके से यदि काम हो रहा है तो दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा, और यहाँ लोग बाहर से आएंगे आयुष के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके लिए एक हेल्दी टूरिज्म भी तैयार हो सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर।